अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर अपनी YouTube चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। तो इस वक्त मैं सहरा में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर मिट्टी से बना हुआ है। तो इन लोगों के पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर इतनी सख्त लाइफ कैसे गुजार रहे हैं, क्या सहूलियात इनके पास हैं, क्या मौजूद हैं और ये इन्होंने अपना घर कैसे डेकोरेट किया हुआ है वो आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो बनने वाली है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की मज़ेदार और खूबसूरत वीडियोज़ आपके साथ शेयर हो सके। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये मुर्गियों के लिए खुड्डा बना हुआ है और ये देखें इसके ऊपर ज़बरदस्त चीज़, ये प्लेट शमसी तवानाई वाली प्लेट है और ये इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर मोबाइल चार्ज करने के लिए। ये देखें ये पीछे इसके मोबाइल लगा हुआ है और ये मोबाइल को चार्ज कर रही है। माशाल्लाह हर जगह पर सहूलियात मौजूद हैं। आप ये देखें ये मुर्गियों के लिए खुड्डा बना हुआ है और ये ज़रा बड़ा खुड्डा बना हुआ है और ये बर्तन धो के फूक में रखे हुए हैं ताकि ये सैनिटाइज भी हो जाएं और स्टीम्ड भी हो जाएं फूक में, तमाम जरासीम वगैरह ख़त्म हो जाएं। अंदर चलते हैं घर के अंदर और ये घर के बाहर ही तंदूर बना हुआ है और ये घर खेतों के दरमियान में है और चारों तरफ से इसके खेत हैं। किचन एरिया, छोटी छोटी दीवारें और ज़बरदस्त किस्म की मिट्टी के साथ लेप हुई हैं और ये बर्तन रखने के लिए जगह बनी हुई है। ये है टोकरा, रात के वक्त जो सालन बजता है वो तमाम इसके अंदर रख देते हैं ताकि बाहर पड़ा रहे और ठंड माहौल में रहे। और ये घड़े वगैरह रखने के लिए एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने लेप किया हुआ है घर को। ये सर्दियों में किचन वाला कमरा है इनका, जब सर्दी होती है तो तब ये किचन इस्तेमाल होता है। यहाँ से ये देखें इधर ऊपर काने कहते हैं इसको गालिबन, इसके ज़रिए इन्होंने डाला हुआ है, इसकी छत बनाई हुई है और लेकिन सर्दी के मौसम में ये इसे इस्तेमाल करते हैं। ये एक और घर है, ये ऊंची जगह बनाई हुई है बर्तनों के लिए भी और चार पे वगैरह रात रख के सो जाते हैं। ये एक बार फिर सोलर प्लेट बड़ी वाली पड़ी है यहाँ पर। और इस कमरे के अंदर चलते हैं, यहाँ देखते हैं छोटा सा कमरा है और ये देखिए छोटा सा पंखा जो कि सोलर प्लेट के ज़रिए चलता है यहाँ पर। और ये सामान वगैरह पड़ा है इनके घर में, ये देखिए हवा के लिए कितनी ज़बरदस्त जगह बनाई हुई है। ये देखिए ये हवा के लिए क्रॉसिंग के लिए ज़बरदस्त जगह है। कभी बहरहाल अब तो हर वक्त इनके पास लाइट है, सोलर का इंतज़ाम मौजूद है यहाँ पर। ये इनका सामान पड़ा है, पेटीएम वगैरह संदूक। ये देखिए ये भी किचन है, ये भी किचन है, इसकी छत देखें कानों के साथ बनी हुई है, ये कानों के साथ बनी हुई है और बने बनाए मिल जाते हैं मार्केट से भी और ये खुद मुझे लगता है ये बनाते हैं ताकि इसको कवर किया जा सके। और घर के अंदर ही मस्जिद बनी हुई है, तकरीबन दो से तीन लोगों की जगह है नमाज पढ़ने के लिए। और ये इनका वॉशरूम है यहाँ पर, ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पर। चाचा ना क्या नसीब है आपका? अल्लाह की वजह अल्लाह अल्लाह जो है। कितने अर्से तो बाद अभी था क्या? ये 40 साल तिरा वाला है, 40-50 साल तिरा सही बैठे हो जी। तो ये रकबा जाती रकबा है तेरा? ये सारे वालद ਇਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਘਰ ਮੇ ਕੋ ਕਹਿਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਹਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਹਿਣੀ? ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਿੱਥਾ ਮੰਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਰ ਬਣਾਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਇੱਕ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਕਲਵਾ ਦੋ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਤੇ ਕੋ ਮੇ ਕੋ ਆਖ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਨੌਕਰ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇ ਕੋ ਆਖਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੇ ਕਿਆ ਬਸ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ। दोस्तों चोलिस्तान के अंदर एक और ज़बरदस्त खूबसूरत घर देखने को मिला और जहाँ पर इंसान को आकर यहाँ की जो चोलिस्तान की खूबसूरती है वो देखने को मिलती है। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया।